कैसे हैं आप लोग? इस वक्त हम लोग गुरु मंदिर कराची बर्ड्स मार्केट में हैं, यहाँ पर कबूतरों की मार्केट में, और हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि इस वक्त बर्ड्स की कीमत, कबूतरों की कीमत क्या चल रही है। तो ये हमारे साथ एक भाई हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? तौकीर। तौकीर भाई, ये आपके पास कौन सा कबूतर है और इसकी क्या प्राइस चल रही है? भाई ये कासनी काबरा है। सही, माशाल्लाह। कीमत तकरीबन 5,000। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ये कहाँ से, यानी कि कराची का है या लाहौर? ये लाहौर मुल्तान की नस्ल है। मुल्तान की नस्ल है। थोड़ा सा आप हमारे व्यूवर्स को दिखाएंगे ऊपर करके कि कैसा है, इसके पर वगैरह खोल के। व्यूवर्स आप देख सकते हैं, कासनी काबरा है और इसकी कीमत 5,000 रुपये है। अगर हम इंटरनेशनल प्राइस में इसकी कीमत देखेंगे तो अराउंड इसकी कीमत $50 है, $50। और ये मुल्तान से बिलोंग करता है ये कबूतर। और आपने कहाँ पर कबूतर रखे हुए दोस्त? मैंने लियाकताबाद में रखे। लियाकताबाद में? क्या आपने सारे गोले रखे हुए, काबली भी रखे हुए? गोले हैं सारे हमारे। सारे गोले रखे जी, गोला। सही, इन्होंने गोले रखे हुए सारे। और यहाँ पर लोग हैं और भी शौक करते हैं, गोले भी पालते हैं और काबली कबूतर भी पालते हैं। हम और लोगों से भी पूछेंगे कि क्या क्या प्राइस चल रही है इस वक्त कबूतरों की। तो आप हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। व्यूवर्स ये देखें आप, यहाँ पर बच्चे भी आए हुए हैं बहुत शौक से ख़रीदारी करने के लिए। इन्होंने कबूतर भी खरीदे, ये देखें, अगर आप देख सकते हैं इन्होंने जाल के अंदर एक कबूतर भी खरीदे। और ये छोटा सा बच्चा अपने अब्बू के साथ आया हुआ आई थिंक, और यहाँ से कबूतर लेके जा रहा। कहाँ से? हाँ, पान मंडी चाचा डब्बू के कबूतर बुलाता है। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। सही, दिखाएंगे कौन सा कबूतर है? अमल, ये देखिए, ये घाघरा शेरादी है। 4,000 रुपये कीमत है। व्यूअर्स, ये 4,000 रुपये का घाघरा शेरादी और इसकी कीमत है 4,000 रुपये। और अगर हम इंटरनेशनली इसकी कीमत देखेंगे तो $40 इसकी कीमत है। आप देख सकते हैं $40 में आपको ये मिल सकता है। बिकॉज हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं इंटरनेशनली, तो उनके लिए भी हमें बताना पड़ेगा डॉलर्स के अंदर। ये काबरा दिखाएंगे, काबरा ये कौन सा कबूतर? क्या तूसी काबरा? ये कितने का है? कितने? 2,000 रुपये का है। ये देख सकते हैं व्यूवर्स आप, ये काबरा है और इसकी कीमत 2,000 रुपये है। अगर हम इंटरनेशनली डॉलर में इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसकी कीमत $20 है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये कहाँ कराची के कबूतर है? सब कराची के। आप ये कबूतर भी देख ले, क्या नाम है इसका? करबलाई। ये कितने का है? 75,000। ये 5,000 रुपये का। व्यूअर आप देख सकते हैं करबलाई कबूतर है और इसकी कीमत 5,000 है। और अगर हम इंटरनेशनली डॉलर में से कन्वर्ट करेंगे तो $50 का ये कबूतर है कराची पाकिस्तान में। सही, तो ये आप कबूतर कहाँ से लेके आए हैं कराची में? सारे पकड़े में। कहाँ पर उड़ाते हैं आप? सही। अच्छा, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो नया नया शौक कर रहे हैं, अगर ये कबूतर पालना चाह रहे हैं तो कुछ? ये शौक बहुत समझ लें, बहुत अच्छा भी है और बुरा भी। ये शौक जो है ना, ऐसा है कि आप बुरे कामों से बच जाते हैं, घर के अंदर आप शौक कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात मुझे पूछनी थी, आप ये बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को जो नया नया शौक कर रहे हैं कि वो जो कबूतर लेके जाते हैं तो उन्हें कितने दिन बाद खोलें? जैसे बास व्यूवर्स हमारे ऐसे, वो लोग ये सोचते हैं कबूतर घर लेके आते हैं, खोलते हैं, वो भाग जाते हैं, उनसे हिलते नहीं है, तो आप कोई मशवरा देंगे? इनके खोल बन लगते हैं, जैसे इनको मुनक्कर एरिया तो ले आके खोल दिए, फिर दाने पानी पे रहते हैं। हाँ, अब बहुत से कबूतर ऐसे होते हैं जो अपने मालिक के वफादार होते हैं, खुलते ही भाग जाते हैं, चाहे कुछ भी दे दो उन्हें। सही, तो इनका कहना है कि अगर आप मुनक्का दे देंगे इन्हें खोलने से पहले तो ये कबूतर यहीं पे रहेंगे, भागेंगे नहीं, आपके पास ही रहेंगे। तो हम आपको और भी लोगों से मिलवाएंगे यहाँ पर और बहुत सी टिप्स भी दिलवाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। एक और हमारे साथ दोस्त हैं और हम इनसे पूछेंगे, उस्ताद माने जाते हैं, सब लोगों ने कहा कि हम इनसे बात करें क्योंकि इनको काफ़ी मालूम है, काफ़ी नॉलेज है कबूतरों के हवाले से, तो हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, आप कहाँ पर आपने पाले हुए कबूतर? पी आई बी में। माशाल्लाह, आप सिर्फ गोला कबूतर पालते हैं या काबली भी? फैंसी कबूतर और ये गोला। ओके, गुड, वेरी गुड। इनके पास फैंसी कबूतर और गोला कबूतर होते हैं,
हम इनके कबूतर भी देखेंगे, आप हमें अपना कोई कबूतर दिखाएंगे जो आपको बहुत पसंद हो। वाह बहुत प्यारा, व्यूअर्स देखें कितना प्यारा कबूतर है इनका ये माशाल्लाह से। थोड़ा सा ऊपर करिएगा इसे, क्या नाम है सर इनका? ये लाल जोगिया गंडेदार है, चप बना हुआ। चलो बहुत खूबसूरत है, इसकी प्राइस क्या है? 3000 रुपये। 3000 रुपये इसकी प्राइस है व्यूअर्स। ये लाल गंडेदार है, चप बना हुआ है, कौन सा कहलाएगा? लाल जोगिया चप बना हुआ है, लाल जोगिया चप बना हुआ है, और इसकी प्राइस 3000 है। अगर हम इंटरनेशनली इसकी प्राइस कन्वर्ट करें डॉलर के अंदर तो इट्स अबाउट $30। ये बनारसी घाघरा, एंड ये बनारसी घाघरा इसके प्राइस 4000 रुपये। ये 4000 रुपये का। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप ऊपर करके दिखाएंगे, ये देखें व्यूअर्स, ये बनारसी घाघरा है और इसकी प्राइस 4000 है, एंड अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स अबाउट $40। सो और भी ये फैंसी पेयर भी है इनके पास, ये मैनादार, देखें व्यूअर ये देखें, वन साइड वाइट हो रही है इसकी जी हाँ, ये काला मैनादार है, छप बना हुआ है। इसकी प्राइस कितनी है दोस्त? ये 5000 रुपये का था। ये सिंगल 5000 का है पेयर? सिंगल 5000 रुपये, सिंगल 5000 रुपये का। व्यूअर्स आप ये हमारे कैमरामैन अम्मार आपको दिखाएंगे, ये कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। और ये अच्छा, ये इसके गंडे आप लोग खुद बनाते हैं थोड़े थोड़े से पर वो करके? ये गंडे बनाए जाते हैं ये छोटा पट्टा। तो व्यूअर्स अगर आपको भी इस तरह के गंडे बनाने हो तो आप इस पर बचपन में नोच के बना सकते हैं। सही। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, ये नायाब नस्ल है, ये तीतर शेप में लालबंद कहलाते हैं, ये शायद कराची में एक दो छतों पे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, गारंटी की सेवा हो तो दिखा दे कोई। चले ये तो हमारे आप व्यूअर्स को ज़रूर दिखा दें, कि व्यूअर्स इनका कहना है कि ये कबूतर जो है ना कि कराची के अंदर पूरे कराची मेरे दोस्त के पास है ये, और उसके अलावा किसी की छत पर नहीं है ये। इनका कहना है कि ये कबूतर सिर्फ कराची के अंदर जो है ना एक या दो छतों पर होंगे, उसके अलावा है नहीं। ये नायाब कबूतर है, आप देख सकते हैं इसे, तीतर शेप में लालबंद कहलाते हैं, तीतर शेप में लालबंद कहलाते हैं, कलर में भी हैं ये गोल्डन कलर में भी पाए जाते हैं। अच्छा वो इसको क्या कहते हैं, इसकी प्राइस कितनी? ये सिंगल जो है ना फीमेल है, ये इस वक्त ये 8000 रुपये की है। व्यूअर आप देख रहे हैं ये सिंगल फीमेल जो है इस वक्त 8000 रुपये की है, अगर हम इसे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स अबाउट $80। तो ये बहुत खूबसूरत है और बहुत नायाब है, इनका कहना है कि कराची के अंदर सिर्फ एक या दो छतों पर होगी, इसके अलावा ये कबूतर आपको कराची में नहीं मिलेगा। अच्छा हम चाह रहे थे कि हमारे जो बशीर भाई, ये उनके घर की ब्रीड है ये माशाल्लाह, बशीर भाई बशीर उस्ताद हैं, भाई भी बोलते हैं, और ये आपको कबूतर लैंग्वेज में तो मालूम ही होगा कि उस्ताद कहलाए जाते हैं, तो बशीर उस्ताद के घर पर हैं। अच्छा व्यूअर्स हम इनसे ये भी पूछेंगे, जो लोग नए नए कबूतर पाल लें उनको ये अगर कोई मशवरा या कोई टिप्स देना चाहें उनके लिए, कि पहले किसी की शागिर्दी करो, अच्छाई बुराई इसका समझो, उसके बाद कबूतर के मिजाज को समझो, उसके दिमाग को समझो, उसकी आँख को पढ़ना सीखो, उसके बाद फिर इस शौक में घुसो। तो व्यूअर ये हमारे साथ अब्दुल्ला भाई, जी हाँ ये अब्दुल्ला भाई थे, इन्होंने हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की और आपको अपने बर्ड्स भी दिखाए, बहुत खूबसूरत कीमती नायाब, और आपको टिप्स भी दी। कितने का? 2000 रुपये का है। 2000 रुपये का है, सही। ये व्यूअर ये काला शरारती छोटा बच्चा है, अभी पट्टा है, इसकी प्राइस 2000 है, और अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स अबाउट $20। ये हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए हम डॉलर्स में भी प्राइस बताएंगे, क्योंकि वी हैव ऑल्सो इंटरनेशनल व्यूअर्स। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो ये हमारे अब्दुल्ला भाई थे जिनसे हमने बात की, इन्होंने अपने नायाब कबूतर भी दिखाया, उनकी नस्लों के बारे में भी बताया, और हमें टिप्स भी दी हमारे नए कबूतर बाजों के लिए जो नया नया शौक करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई, थैंक यू, यू आर वेलकम, थैंक यू। कराई कराची गुरु मंदिर पे कबूतर मार्केट है, होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अगर आप ये नीचे देखेंगे तो रेड कलर का बटन है, इसको रेड कलर का बटन, इस पर सब्सक्राइब लिखा, आप इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर हम आपको और भी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के दिखाएंगे और लोगों से भी मिलवाएंगे और आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन देंगे कबूतरों के बारे में और मुख्तलिफ बर्ड्स के बारे में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।